सो ऐसी उड़ती उड़ती एक न्यूज़ आ रही है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा र्यूमर है कि अनिल यादव बिग बॉस OTT सीजन 2 में जा रहे हैं। देखो ये र्यूमर काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, कई बार भुवन बाम का भी ऐसे र्यूमर आया हुआ था, आशीष चंचलानी का भी र्यूमर आया हुआ था, बट अनिल यादव के र्यूमर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच्चाई लग रही है। क्योंकि दो दिन पहले अभी मैंने अनिल यादव का व्लॉग देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि वो 25-30 दिन के लिए ग्रीस जा रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं कह रहा हूँ अपनी टिकट भी आ ली, सारी चीज़ आ ली, हम तो जा रहे हैं भाई साहब दूसरे देश। मैं अकेला सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 15-20 दिन के लिए, 15-20 दिन, 1 महीने के लिए, जितना मेरा मन लगे वहाँ पे, इतने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ भाई ग्रीस। एंड आज जो मॉर्निंग में व्लॉग आया यानी कि 12 तारीख को, उसमें वो बता रहे हैं कि वो मुंबई पहुंचे हुए हैं एंड किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं। जू है यहाँ पे, जू। अच्छा ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है, ओके है ये भी। तो ऐसा मैं भी कंफर्म तो नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट हैं एंड अनिल यादव फाइनली एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस में एंटर कर रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर अनिल यादव बिग बॉस में आते हैं तो बिग बॉस OTT सीजन 2 जीते हो कौन, क्योंकि अनिल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड शुक्र इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे बताओ कि अगर अनिल यादव एक्चुअल में बिग बॉस हाउस में जाते हैं तो तुम किसको वोट करोगे, शुक्र इंसान को या अनिल यादव को, कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।